हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर सिक्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है बेसिक मैथ में ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, ठीक है ना, उसको देख लेना, क्योंकि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, तभी ये एक्सरसाइज तुमको समझ में आएगी। ओके, अगर तुम उसे देख लेते हो उसके बाद इसे करना स्टार्ट करना, तुम्हें पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बेसिक में डाल दिया। ओके, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को बेसिक के आगे। उसी जो वीडियो का है उसका मैं कुछ यहाँ समझो कि एग्जाम्पल्स हैं ये, या उसी को पूरा यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। पूरी थ्योरी इंट्रोडक्शन मैंने वहां दे दी है। तो फर्स्ट का ए ये है, देखो उसे ऐड करना है 7/12 प्लस 3/12, दोनों का बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 + 3। अब ये कैसे क्या हुआ इसके लिए तुम्हें तो भाई वहां देखना ही पड़ेगा। तो ये कटेगा क्या 2 5 2 6 2 5, तो ये 5/6 है। अगर कट सकते तो काटो, नहीं कट सकते तो नहीं काटो, यानी 7 यानी 4 + 2 + 6 दैट्स इक्वल टू 12/7। ये तो नहीं दे सकोगे ना, बस ये आंसर हो गया। तो ये दोनों हमारे हो गया आंसर। तो फर्स्ट का मैंने सिर्फ 2 कराया है, बाकी तुम खुद से करना है, नोट कर लो। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इसका कौन सा है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है 3/4 + 1/8, यानी कि एलसीएम क्या होगा इसका 4 और 8 का 8, ठीक है ना। 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8। 8/4 = 2, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 प्लस 8/8 = 1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1, राइट। उसके बाद क्या करो, ये हो गया 6 + 1/8 = 7/8, ठीक है ना, ये हो गया। इसे देखते हैं, यहाँ 7 = 28 और ये 1 है, तो यानी 1/1 कर लिए, ठीक है ना। जब नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो अपॉन 1 अपने मन से कर सकते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका 28 × 7 = 4, यस 4 × 3 28/28 = 1 आएगा, ठीक है ना। 28/28 डिवाइड करेंगे वो आएगा 3 × 1, और 28/1 = 28, राइट, और 1 यानी 28 × 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। 4 × 12 + 3 + 28 ऐड करें इसे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31, और 2, 3 और 4 43। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही ये सब कर दें, अगर कन्वर्ट इसे मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर दें तो ये आएगा तुम्हारा 15, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा कर रहे हैं, ये एफ कर रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, 5 5 3 15 + 1 16 / 5 प्लस 40 41/10 प्लस 5 15 = 25 and 5 75 + 1/1, यानी ये हो जाएगा 76, राइट। नो एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 30 इन तीनों का, किसका 5 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 30 30 / 5 = 6, राइट। 30 / 5 क्या होगा 6, एंड 6 × 16 = 96, 6 × 16 = 96। नाउ 3 30 / 10, 3 और 3 × 3 = 4 4 = 12, यस 15 2 जा, तो यानी हो जाएगा तुम्हारा व्हाट इज 12 and 14 at 15, राइट। नाउ ऐड दिस, ऐड करें 2 + 3 = 5 5 + 6 = 11, राइट 11, तो 5 + 2 = 7 7 + 9 = 16 + 17 17, और 1 carry to 1 1 and 3 दिस वन। नाउ कन्वर्ट दिस इन मिक्स फ्रैक्शन, क्यों मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन ही ऊपर दिया है, तो इसका आंसर तो भाई मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। चेक करते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसे तो राइट, तो 1 जा 30 71, ये तो बचा, और 2 60 बचा, कितना अगर डिवाइड करते हैं तो 1 and 1 11,
तो यानी वही 12 इधर आएगा 30 और यहाँ आएगा 11। बात समझ में आ गई, ये भी हो गया। आगे करते हैं इसका h, देखो कुछ नहीं दिया है तो बस अपॉन में 1 होगा, और इसे अगर कन्वर्ट करें तो 8 16 और प्लस 5 16 ना और प्लस 5 तो यानी 521, यानी 8 ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 जा 48 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 9 और 6 8 राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, तो एच आ गया हमारा 69 अपॉन 8। इसे भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है ठीक है ना, तो 8 69 8 8 64 बचा कितना 5, तो यानी 8 8 5 ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई, चलो इसे नोट कर लो और करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो देखते हैं थर्ड क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बहुत आसान है। इसमें क्या है, क्या लिखा है ये 17, तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो यहाँ 17 हो गया, वही 7 माइनस 5 राइट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करके, ये माइनस करके आ जाएगा हमारा 5 टू 17 ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो इसमें देखते हैं दोनों 5 पर जब सेम हो तो सीधे आ जाता है, और 4 माइनस 3 यानी क्या हो गया 1 अपॉन 5। आते हैं इसमें, इसका एक ही कर रहे हैं है ना। देखो बात समझो, जो भी फ्रॉम के बाद लिखा होता है पहले आता है, अगर सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको तुम पहले लगाओ फिर ये भाई, इसको इसको याद रखना हमेशा, फ्रॉम के बाद वाला फर्स्ट कम, देन 3 अपॉन 7 7 माइनस 5 और ये क्या जाएगा 2 अपॉन 37। बात समझ आ गया, चलो इसे भी नोट कर लो फिर करते हैं इसके आगे सवाल। चलो देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ में डिफरेंस फाइंड करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है ना, तो 2 और 4 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम किसका 2 एंड 8 का इज 8 ठीक है ना, 8 ही होता है, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 4 राइट, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4 और 8 डिवाइड बाई 8 इज 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 3 तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 8 राइट, याद समझ में आ गया। चलो इसे देखते हैं, मैंने क्या बताया नीचे अगर नहीं है डिनोमेटर तो मतलब 1 है, अगर डिनोमेटर नहीं है मतलब 1 है, इसको तुम 1 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम आगे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इसको तुम चाहो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करो, 5 1 5 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पर सिर्फ इस तरह का कि एक नंबर और एक नंबर ना हो, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जानबूझ के ही इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है ना, मैं वैसे भी कर सकता था ऐसी बात नहीं है, वैसे भी करोगे एक ही बात आएगी, आएगा भाई 4 दैट इक्वल टू 4 माइनस करोगे 11 अपॉन 5। बात समझ आ रही है, मैंने इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और इन दोनों को एक दूसरे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम और इनका देखो एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 इज 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 दोनों सेम है इसलिए मैंने ये तक क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ किया ठीक है, जब दोनों सेम होते हैं तो मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। ये गया 6 और प्लस 1 7 अपॉन 2 -4 8 प्लस 1 यानी 9 9 अपॉन 4 एलसीएम इसका भी 4 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 2 डिवाइड मल्टीप्लाई 14 -9 9 क्यों, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 4 इज 1 ठीक है, और ये क्या मतलब कितना बच जाएगा 5 अपॉन 4 राइट। अब ये 5 अपॉन 4 है, तुम चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा ये 1 1 अपॉन 4 राइट। नाउ दिस वन 8 6 48 48 प्लस 7 यानी 255 तो 55 अपॉन 8 माइनस 19 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 57 एंड प्लस 3 यानी 60 अपॉन 19। नाउ यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाओ ज़्यादा इजी पड़ेगा रेदर देन अगर तुम यहाँ पर लगाओगे एलसीएम मेथड, क्यों, क्योंकि एलसीएम और इसका देखो 8 8 और 19 का एलसीएम और 8 19 का मल्टीप्लाई दोनों इक्वल होता है ठीक है ना, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा 152 राइट 152 समझ में आया। नाउ नाउ अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इन दोनों मल्टीप्लाई राइट,
तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1045 माइनस, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 6 यानी 48 और ये 0, तो माइनस कर लो तो 1045 0845 और ये कितना हो जाएगा 14, 8 2 और 6 और ये बचा कितना 9 9 में से 5 का है 4 के 5 यानी ये आएगा 565/152। अब तुम इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, बस मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर देना इसे, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 152 3 और कितना बच रहा है 109, चेक कर लेना आई थिंक। ओके चलो इसे नोट कर लो, क्या करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। मानवी एंड श्रेया एट 2/3 एंड 1/4 ऑफ ए चॉकलेट, ठीक है, किसी चॉकलेट का, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द चॉकलेट डिड दे ऐड टुगेदर, तो पूछा टुगेदर कितना ईट करेंगे ये, है ना। तो इसमें क्या करना हमें, टुगेदर के लिए, टुगेदर दे ईट वो कितना किए हैं 2/3 और प्लस 1, भैया देखो दोनों मिलकर करेंगे तो ऐड हो जाएगा ना पोर्शन ऑफ चॉकलेट, ना पोर्शन ऑफ, तो 2/3 ऐड करो, 4/3 का एलसीएम कितना था 12, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम और मल्टीप्लाई सेम है ना, देखो 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे 3 × 4 = 12 ओ सॉरी एलसीएम और 3 × 4 = 12, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर तुम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करो, बहुत ईजी होता है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8, हाँ अगर एलसीएम अप्लाई करोगे तो वो भी हो जाएगा, अगर एलसीएम मेथड से करोगे तो वो भी हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, और मेनली ऐसा एलसीएम से भी यही आएगा देख लो, क्योंकि भैया 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 को डिवाइड सॉरी 12 को डिवाइड करोगे 4 से 3 और 3 × 1 = 3, ऐड कर लो इसे कितना आ जाएगा ये 11/12, तो ये हो गया हमारा आंसर, बात समझ में आ गई। चलो इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, है ना। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा वीडियो देखा करो, लाइक जरूर कर देना वीडियो पे, और कमेंट किया करो, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो और लाइक तो करते नहीं हो, जब वीडियो आए हो देखे हो तो एक बार लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हें पता चले कि नेक्स्ट वीडियो आया तो तुम्हें सीधे अपडेट आ जाए तुम्हारे यूट्यूब पे, बात समझ में आ गई। तो बेल आइकन भी तुम लोग तो दबा दो, वरना हर बार लिंक ही भेजना पड़ता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।